स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त नोएडा के सेक्टर 18 से आ रही है, जहां बदमाशों ने एक महिला से 8 लाख की लूट की है। जी हां, नोएडा का सेक्टर 18 वो एरिया है जहां पर काफी चहल पहल रहती है, लेकिन यहां एक महिला को गन पॉइंट पर लेकर उनसे 8 लाख रुपए लूट किए गए। आईसीआईसीआई बैंक के बाहर ये बदमाश घात लगाकर बैठे थे और बाइक में सवार थे, जिन्होंने महिला के साथ लूट की है। बदमाश मौके से फरार हो गए हैं और फिलहाल पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। तो नोएडा के सेक्टर 18 में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। अकरम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अकरम, काफी चहल पहल इस इलाके में रहती है, जानना चाहेंगे कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ लगता है कि बदमाशों को जानकारी थी महिला इतना बड़ा कैश निकाल रही, अमाउंट निकाल रही है। ये देखिए बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं, ये नोएडा का सेक्टर 18 का एरिया है जहां बहुत सारे बैंक हैं। दुर्गेश मिश्रा अपनी पत्नी के साथ लेकर बैंक से पैसा निकाल रहे थे, जो कि छलेरा के रहने वाले हैं। 8 लाख रुपए पैसा निकालने के बाद जैसे ही उनकी पत्नी बैग लेकर बाहर निकल रही थी, इसी दौरान बाइक पर सवार दो बदमाशों ने गन पॉइंट की नोक पर उनसे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही फरार हो गए। तो सबसे बड़ा इलाका है यहाँ पर जो बैंक है और साथ ही पुलिस चौकी भी है, तो एक तरह से अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस का बड़ा फेलियर है। चौकी के पास है और सबसे वेस्ट इलाके में दिन दहाड़े इस तरीके की इतनी बड़ी लूट हो जाए, वो पुलिस की एक नाकामी बयां करती है। और साथ ही प्रीति, पुलिस ने अभी मौके पर पहुंच के कविंग की है, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लगे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बड़ी लूट एक नोएडा में अभी देखने को मिली है। प्रीति बिल्कुल अकरम, काफी गंभीर ये मामला है, पुलिस चौकी भी वहां पर है, लोग भी रहते हैं, यानी कि बदमाश को आप देखिए कितने बेखौफ है। अकरम, लगता है कि कहीं ना कहीं वो परिचित रहे होंगे या फिर किस तरह से जानकारी मिली कि जो ये व्यक्ति है अपनी पत्नी के संग आए हैं, 8 लाख का कैश निकाल रहे थे, इस एंगल से भी कुछ जांच हो रही है। जी देखिए प्रीति, बिल्कुल पुलिस ने आके जिस तरह से पूरी घटनाक्रम को बदमाशों ने अंजाम दिया है, उससे साफ तौर से पता लगता है कि कहीं ना कहीं बदमाश काफी समय से रैकी कर रहे थे और उसी के बाद ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है प्रीति कि नए कप्तान के आने के बाद बैंकों के पास सख्त चेकिंग के और पुलिस के मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बाद जबकि चौकी पास में ही है, तो एक पुलिस के लिए बड़ा फेलियर है। और पुलिस उस एंगल पे भी जांच कर रही है कि शायद कोई परिचित व्यक्ति ने तो इस घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अकरम आपका जानकारी की।